हाय शिल्पी, हेलो। क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ दो तरह की चटनियाँ जो मैं अपने वीडियोस डालती हूँ। नॉर्मली उसमें जो चटनियाँ डालती हूँ उसकी रेसिपी है ये, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे बनाई, तो मैंने सोचा क्विक वीडियो बनाया जाए। तो पहली चटनी जो हम बना रहे हैं वो है टमाटर और धनिए की। तो ये देखिए, धनिया भी जो आप लें तो ये फूल वाला धनिया लें, ऐसे देसी धनिया कहते हैं इससे बहुत इस। अच्छी खुशबू आती होगी हाँ, शायद। बहुत अच्छी चटनी बनती है इससे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया लेंगे, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस ऐसे तोड़ के इसमें डाल दें। धो लिया मैंने अच्छे से इसको, तो ऐसा कुछ प्रपोर्शन नहीं है कि इतना ही धनिया और इतने टमाटर, पर टमाटर थोड़े ज्यादा रहते हैं पर धनिया कम। शायद हमारे घर में टमाटर वाली चटनी में टमाटर कुछ ज्यादा ही खाया जाता है, हाँ, इसलिए हम शायद और ज्यादा ये डाल एक लेते हरी हैं। मिर्च, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी वाली है, कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीन ये भी देसी वाले टमाटर हैं, जो गोल वाले आते हैं ना वो ज्यादा खट्टे होते हैं, तो चटनी में नॉर्मली मैं वही यूज करती हूँ, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक्चुअली दूसरे वाले जो होते हैं वो मीठे से होते हैं, हल्का तो सा, हाँ, चटनी उसमें में मीठा अच्छा नहीं सामने, लगता हाँ, कम ज्यादा। आती है। और यहाँ पर मेरे पास है दो गार्लिक के पीस, इसको मैंने काट लिया था, तो गार्लिक आप छोड़ सकते हैं, नहीं खाते हैं, तो इन सबको हम डाल देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे नमक, तो बहुत ही मजेदार चटनी बनती है, क्योंकि और ये जो जैसे कटलेट्स वगैरह है उनके साथ बहुत, कचौरी कटलेट्स उनके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको पीसेंगे, तो उसका पीसने का एक तरीका होता है, इसको बिल्कुल जो है बारीक नहीं कर देना है, इसको हम रुक रुक के पीसेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखें आप कैसी रखी है। एक बार मैं इसको चला दूंगी, मैं देख लूँ इसमें बड़े बड़े टोमेटो के पीस तो नहीं रह गए, थोड़ा सा मुझे टोमेटो दिख रहा है इसमें, तो मैं एक बार और चलाऊंगी। बट हमें इसको दरदरा रखना है, हमें हाँ, इसको बिल्कुल महीन महीन नहीं कर नहीं करना देना है, है। इसीलिए मैंने ये बड़ी वाली मिक्सी जार जो है यूज किया है, अच्छा, छोटी मिक्सी में अगर करेंगे तो एकदम से छोट पिस जाएगी पिस वो। जाती है वो। तो देखें अब तैयार है बिल्कुल ये। ये देखिए इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी का रखना है, और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसको। ये मेरी फेवरेट है और हमारे घर में शायद ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बन जाती है, हाँ, बहुत और ज्यादा लगभग हम लोग इसको ऑलमोस्ट साइड डिश, ये ऑमलेट वगैरह के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको ऑलमोस्ट हम सब्जी जैसा खा जाते हैं कई बार, तो ये देखिए और बिल्कुल इसको तैयार हो राइस गई के साथ है। भी बहुत टेस्टी लगती हाँ, है। पुलाव के साथ बहुत बहुत ही अच्छी लगती है, बिरयानी के साथ खा ले, पुलाव के साथ खा ले। तो ये तैयार है, और आइए अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे। तो इसके ओके, लिए मैं ना ये छोटा वाला जार यूज कर रही हूँ, क्योंकि इस छोटे जार में चीजें बहुत बारीक पिसती हैं। अच्छा, तो इसको हम स्मूथ बनाने वाले हाँ, हैं। इसको स्मूथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पुदीना है 1 कप के करीब है, जिसको मैंने धो लिया है और साफ कर लिया है अच्छे से। और इसमें हम डाल देंगे पुदीना जितना है उसका आधा धनिया। ये भी फूल वाला धनिया हाँ, है। ये भी फूल वाला धनिया, और हम डंडियां भी साथ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि डंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो उसको ओके, हटाना नहीं चाहिए। इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है तो हम इसमें 2 मिर्चियां डाल रहे हैं ऐसे। और यहाँ पर मेरे पास है चाट मसाला, तो 1 चम्मच भर के हम चाट मसाला डाल रहे हैं। छोटा स्पून है, बहुत बड़ा स्पून नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाँ, कई बार कैमरे में वो देखने में बड़ा बड़ा दिखता है बट लगता है पर एक्चुअली ये वो बहुत छोटा सा छोटे स्पून टीस्पून है। है। और इसमें डाल रहे हैं काला नमक, सादा नमक भी डाल सकते हैं, पर इस चटनी में जो है स्पेशली काला नमक बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डाल देंगे नींबू, आधा नींबू, क्योंकि दही जो है वो फ्रेश यूज कर रहे हैं हम। अगर आप खट्टा वाला दही यूज करें तो फिर आप नींबू नहीं डालें, नहीं तो कई बार चटनी बहुत सार हो जाती है। और ये है दही, तो करीब हम अच्छे से भर के 4 चम्मच थिक दही डाल देंगे इसमें। ये बॉटल में दही है? हाँ, मैंने देखा एक बार, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, मैंने देखा बॉटल में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था दही लगाने के लिए कांच का बर्तन, तो मैंने बॉटल में जमाया, बहुत ही थिक और बढ़िया दही बन के तैयार हुआ। तो बस हमें क्या करना है, इसको पीसना है, और हमें बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज नहीं किया आपने देखा। हाँ, क्योंकि दही भी पड़ा हुआ है हाँ, दही है उसी से हम इसको पीस और लेंगे। बस इस चटनी को हमें एकदम बारीक पीसना है, महीन पीसना है बिल्कुल। तो ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। तो वैसे मुझे इसमें पर्सनली लहसुन डालना पसंद है, पर आज मैंने नहीं डाला है इसमें लहसुन। तो तो ये ये चाट देखिए के साथ खाई जाने वाली ये चटनी है पुलाव के क्या? साथ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी वाटरी बनती है, क्योंकि हमने दही का यूज किया है इसमें। तो अगर आप इसको थिक बनाना चाहें तो इसमें रोस्टेड मूंगफली जो होती है वो मिला दें पीसते समय, तो ये काफी थिक हो जाती है। तो ये मोस्टली आप किस कौन सी चटनी किस चीज के लिए यूज करते ये हो? मोस्टली मैं करती हूँ कटलेट्स के लिए और पुलाव के लिए और ऑमलेट्स वगैरह खाने के लिए,
ये वाली यूज करती हूँ मैं मोस्टली टिक्के में, अगर आप टिक्का बनाए तो उसमें बहुत अच्छी पनीर लगती टिक्का के है। लिए आइडियल हाँ, है। और चाट में भी अच्छी लगती है ये, और बिरयानी के साथ भी बहुत मजेदार लगती है। दोनों चटनियां कुछ भी बनाए दोनों ही बहुत बाकी ही आप खुद टेस्टी ट्राई है। करके, खुद टेस्ट करके डिसाइड करें। तो आगे से अगर आप जब मेरे वीडियोस देखते हैं और चटनी देखें तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लें, इसमें दोनों तरह की चटनियों मैंने बना दी आपके लिए। तो आई होप आपको पसंद आए, जरूर ट्राई करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।